Hi, this is me, Yukti Kapoor. This is Mudit. And you guys are watching us on Awesome TV. Show is full of thriller और उसमें थोड़ा सा रोमांस आया है। क्योंकि हमारी फिल्में और वेब स्पेस पे इतनी अच्छे कंटेंट आ रहे हैं तो टेलीविजन को भी अपनी स्टेप अप करनी चाहिए गेम। ब्रेव तो हम इतने हैं बन चुके हैं अब करते करते कि थोड़ा सा डर ये होता है कि बस ये एक्सेप्ट कर लेगा ये वाला जो हम दिखा रहे हैं कंटेंट। वेलकम टू ऑसम टीवी। थैंक यू। तो पहले तो कांग्रेचुलेशंस फॉर द शो और जानना चाहेंगे युक्ति पहले आपसे कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ मैडम सर फाइनली योर फैंस आर गेटिंग टू सी यू अगेन। So what do you bring this time on the table for them? A very different character. My last character was Dabang. Now this time I'm playing a mother, and I have a very sweet child. He is 6 years old, and I'm a writer, and I want to start my life fresh because my past was not that great. So I want some great moments in my life, Kriti. So that's how her journey starts, and she's a very strong, confident woman. And very happy-go-lucky girl, and she likes to joke around, and she wants everyone to be happy all the time. She doesn't like seriousness because उसकी life में इतनी seriousness रही है that she avoids seriousness, I guess. So because of that, she has become a very happy-go-lucky. Okay, and Mudit, good to see you again. Thank you. So fans are super excited. So आपसे जानना चाहेंगे आपका character काफी complex दिखाई दे रहा है, तो जरा बताइए उसके बारे में. बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत डिफरेंट है, जो शेड है इस कैरेक्टर का वो जनरली कम ही देखने को मिलता है टेलीविजन पे। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी प्लेइंग दिस कैरेक्टर। जहाँ हम शूट कर रहे हैं वो पंचघाटी दिखाया गया, तो वहाँ के बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आदमी है ये, सब इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं विक्रांत की। तो और साथ में ये वहाँ के केमिस्ट्री टीचर है एक बड़े स्कूल में। तो आई थिंक आई लीव इट एट दैट, क्योंकि प्रोमो में भी बिल्ट अ मिस्ट्री अराउंड दिस गाय। तो आई थिंक बोलने से ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा। तो और साथ ही आप दोनों से जानना चाहेंगे कि शो के लिए क्या खास प्रिपरेशंस आपने की है? गर्म कपड़े रखे क्योंकि शूटिंग थ्रू आउट पंचगनी में होती है। It's so cool. Yeah. तो वो मज़ा आ रहा है। 6 बजे जैकेट निकल जाती है। एंड कैरेक्टर्स के लिए ऑफकोर्स एक अलग ही नया कैरेक्टर होता है तो आपको अलग पॉइंट्स होते हैं उसके। तो इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। आई नो ऑडियंस विल फॉल इन लव विद विक्रांत and I also know that audience will fall in love with me also. Definitely. So हमने मेहनत की है, मेहनत आप तक पहुँचेगी 4 सितंबर को 11 बजे। और जैसे कि हम जानते हैं कि the show is full of romance, but again it has something suspense out there. So जरा बताइए जरा उसके ऊपर रोशनी डालिए। Actually show is full of thriller और उसमें थोड़ा सा रोमांस आया है। और उसमें रिलीफ पैदा करने के लिए ढेर सारा ह्यूमर भी है। कॉमेडी भी है, सिचुएशनल कॉमेडी। बाकी ज़्यादा बताएंगे तो फिर सस्पेंस रहेगा ही नहीं। तो या और आप दोनों से जानना चाहेंगे कि क्योंकि शो एक रोमांस वाला आपका ये है और सस्पेंस भी है साथ में, तो आइस ब्रेकर इतना कैसा रहा आप लोगों के बीच एज एक्टर्स? या बहुत ही स्मूथ था। मतलब सो हमारा मॉक टेस्ट था साथ में। एंड ऑफकोर्स जब आप नहीं जानते हैं, जब आप सेट पे जा रहे होते हैं तो एक थोड़ी सी वो रहती है फीलिंग्स की, पता नहीं कैसे क्या बात होगी या कैसे सामने वाला होगा। बट ही वॉज वेरी नाइस टू मी, वॉज वेरी काइंड टू मी। बहुत अच्छे से मिले एंड ही लिटरली उन्होंने मुझे हेल्प भी किया वाइल, मतलब कि इसको तुम ऐसा करते हो, तो वो मुझे अच्छा लगा। एंड आई सॉ द सीरियसनेस इन हिम, आई सॉ द पैशन इन हिम, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम। बहुत ही अच्छे। अब हम साथ ही रहते हैं पंचमी में, एज इन लाइक आफ्टर पैकअप वी ऑल हैव ईच अदर। हमारी जो फैमिली है वहाँ पे, तो फैमिली मतलब जो एक्टर्स हैं हम फैमिली हो गई, और बॉन्डिंग बनती जा रही है डे बाय डे। इट्स गेटिंग बेटर। सेम थिंग आई कैन से फॉर हर। बहुत मजेदार था डे 1 से। तो इट्स बीन अ वेरी स्मूथ जर्नी एंड आवर फ्रेंडशिप इज बीन वेरी स्मूथ सो फार। और साथ ही टीवी इतने टाइम से काफी इवॉल्व हुआ है, तो अब ज्यादातर सास बहू ड्रामा देखने को नहीं मिलता, हमें जैसे देखने को मिलता है काफी अलग-अलग स्टोरीज आ रही हैं। तो आपका क्या टेक है इस पे? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तो एक आर्ट फॉर्म है और आर्ट को तो इवॉल्व होते रहना चाहिए। और क्योंकि हमारी फिल्में और वेब स्पेस पे इतनी अच्छे कंटेंट आ रहे हैं तो टेलीविजन को भी अपनी स्टेप अप करनी चाहिए गेम, जो कि हो रही है और हमने भी वही कोशिश करी है। ऑल थैंक्स टू स्टार प्लस फॉर टेकिंग दिस रिस्क। या क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा सब्जेक्ट डार्क है तो जनरली लोग अवॉइड कर जाते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय स्टार। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो या और टीवी का एक सेपरेट फैन बेस है और आप दोनों पॉपुलर फेस है टीवी टेलीविजन इंडस्ट्री में, तो क्या जैसे कि अभी आपने बात की कि रिस्क की बात की, तो क्या कभी वो डर रहता है कि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतर पाएंगे? यार मुझे ऐसा लगता है कि डर ना कभी खत्म होता ही नहीं है लाइफ से, और एक्टर्स जो होते हैं ना वो बहुत ब्रेव होते हैं। मतलब हमारी लाइफ में कभी कुछ फिक्स्ड नहीं होता है, तो ब्रेव तो हम इतने हैं बन चुके हैं अब करते करते कि थोड़ा सा डर ये होता है कि बस ये एक्सेप्ट कर लेंगे ये वाला जो हम दिखा रहे हैं कॉन्टेंट। वो प्रोमो से उन्होंने इतना अच्छा एक्सेप्ट कर लिया है कि शो भी करेंगे एक्सेप्ट वो, तो अभी वो डर जो भी इतना सा था वो सब निकल गया है। सही कह रही, एवरीथिंग इज देयर। ओके, और फाइनली फैंस और व्यूअर्स के लिए कुछ मैसेज चाहिए? यही कि हाँ, जो आप एक्सपेक्टेशंस हमसे रख रहे हैं वो रखिए, क्योंकि हम उस पर खरा उतरेंगे। करेक्ट।